मेरा बाप भी ना फुल सेंटी है बेचारा। बचपन में मुझे आश्रम से ले आया और मुझे मेरी चीनू से दूर कर डाला। अबे ये चीनू कौन है बे? धीरे कोई, अरे बताना यार कौन चीनू है? तेरे को नहीं मालूम है रे? अच्छा, अरे छटू। जी भैया। अबे अंधे। ठीक है। अबे बताना चीनू कौन है? ये कहानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बसे एक आश्रम की है। जाओ बेटा। सर ये बच्ची। आज हमारे आश्रम में एक नई लड़की आई है। बेचारी मेले में अपने परिवार से बिछड़ गई थी तो उसे कोई इधर छोड़ गया। तुम लोग उससे ज्यादा दोस्ती वोस्ती मत कर लेना क्योंकि उसके माता पिता जरूर 2-3 दिन में उसे यहाँ से लेके जाएंगे। मेरे लिए भी यही कहा था, मुझे तो लेने कोई नहीं आया। ए, कौन बोला? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब करीबी दोस्त बिछड़ जाए तब दिल पे चोट लगती है ना। यस सर। चलो अब सब खेलने जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। पकड़ लिया बल्ले बल्ले, आउट है आउट है, ये चलना यार। सर प्लीज प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शोभा अपने आप को संभालो प्लीज। सर पैसों की टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए कितने लगेंगे, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, कुछ भी कीजिए सर प्लीज। जास्ती नहीं बोलने का मिस्टर, ये पुलिस स्टेशन है, पैसे की बातें नहीं करने का। सॉरी सर। वो लड़की का फोटो है तुम्हारे पास? लीजिए। पकड़ रहे साहब, ये लड़की तो ढूंढ पाएगा ना। जा रजिस्टर लेकर आ। अभी लाया साहब। सर 8 दिन बाद मेरी बच्ची का बर्थडे है, बर्थडे से पहले उसको ढूंढ लेना सर। मैडम टेंशन ना को, आप लोग जाके उसके बर्थडे की मस्त तैयारी करो, मैं हूं ना, मैं ढूंढेगा उसे। साहब रजिस्टर। या सर, इस पे अपने बेटी का नाम और एज लिखिए, क्या कपड़े पहने थे वो भी मेंशन कीजिए, उसे कौन सी भाषा आती है, बॉडी पर कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, सब कुछ इसमें लिखिए। साहब ये क्या झोलमाल कर रहे हैं आप, आपके कहने पर ही इस लड़की को आश्रम छोड़ के आया था साहब। गोपिया बड़ा सोच, नहीं तो जिंदगी भर कांस्टेबल बनकर रहेगा। आज इस लड़की को हम उसके माँ बाप को दे देते तो हमें क्या मिलता साहब, कम से कम 10,000 तो निकलता। अब सोच बेचारी की बेटी जब खतरे में होगी तो कितना निकालेगा। साहब क्या दिमाग पाया है आपने, ऐसे में तो 1,00,000 का मामला अंदर समझो। मौके पे चौका मारेगा तो मैन ऑफ द मैच बनेगा गोपिया, उसका बर्थडे नोट कर ले, सरप्राइज दे के प्राइज मनी अंदर कर लेंगे, क्या समझा? सॉलिड है साहब। तुम लोग उससे ज्यादा दोस्ती वोस्ती मत कर लेना क्योंकि उसके माता पिता जरूर 2-3 दिन में उसे यहाँ से लेके जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? चिन्नू। तुम्हारा नाम क्या है? किटी। फ्रेंड्स। Friends. और यहां से शुरू होती है चीनू और किटी की ये अद्भुत कहानी। किटी के माता पिता की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके रिश्तेदार उसे इस आश्रम में ला छोड़ते हैं। चीनू महाराष्ट्र के बहुत बड़े व्यापारी की बेटी है, वो अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने आई थी लेकिन अचानक वो उनसे बिछड़ जाती है
और उस मेले में गुम जाती है। इन कुछ ही दिनों में ही चीनू और किटी में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। मॉर्निंग, सिट डाउन। चलो अपनी अपनी नोटबुक्स खोलो। ए लड़की, अंदर आ। देखो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के बारे में बताता हूं। सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिखना। कोई साइन करता है तो उसे यूनिक बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए अपना नाम तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस इंसान का हस्ताक्षर अनोखा हो। श्रीनिवास मूर्ति, ये रहा मेरा यूनिक सिग्नेचर। समझ गए ना? चलो एक काम करो, अब तुम सब अपने साइन करो, और आज जो तुम सिग्नेचर करने वाले हो वो भी यूनिक होना चाहिए, एकदम हट के, समझे? ओके सर। तुमने यहाँ दो ही डॉट क्यों डाले? आप भी तो डालते हैं, इसलिए मैंने भी डाले। उस तरह सिग्नेचर करना मेरा स्टाइल है, लेकिन तुम्हें अपना एक स्टाइल ढूंढना पड़ेगा ना। वेणुगोपाल, ये साइन में पहाड़ियाँ क्यों बनाई हैं? ये मेरे गांव की पहाड़ियाँ हैं। मेरे साइन में मेरा गांव दिखेगा। अरे शाबाश, लेकिन इस पहाड़ी का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसका कम कर दो। ठीक है सर। तो बच्चों, जो भी काम करो हमेशा मन लगा के करो। किट्टी, ये है मेरा सिग्नेचर। पता है ये क्या है? ये दोनों कबूतर हैं, और पता है ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा सिग्नेचर है ना? हाँ चीनू। ए चीनू, इधर आओ जल्दी, तुम्हारे डैडी का कॉल है। डैडी! एक मिनट सर, आ गई आपकी बेटी। एक बार पापा जी बोल। बात करो, बात करो। हेलो पापा। मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैडी। बेटा, इंस्पेक्टर अंकल तुम्हें लेने आए, तुम आ जाओ फिर मस्त पार्टी रखेंगे। ओके ओके डैडी, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ बेटा, पापा इस बेटी। मैं एक मिनट में वापस आई। अरे किट्टी, डैडी का कॉल था, इंस्पेक्टर अंकल लेने आए हैं। तुम अपने घर वापस जा रही हो? हाँ। उदास मत हो किट्टी, मैं तुमसे यहाँ मिलने आती रहूँगी ना, प्रॉमिस। मैं हर साल अपना बर्थडे तुम्हारे साथ यही मनाऊंगी। रात को मेरे सोने के बाद निकलना, सामने जाओगी तो मुझे बहुत रोना आएगा। किट्टी, अच्छे से पढ़ना हाँ, और स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आना। मैं भी अच्छे से पढ़ूंगी, फिर हम दोनों बड़े होकर एक साथ एक ही ऑफिस में काम करेंगे, मेरे मम्मी डैडी की तरह। पढ़ लो कर, लेट हो रहा है। किट्टी, सो गए हो क्या? चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय।